कि चाहे उनके पास तीनों टाइम का खाना हो या ना हो, लेकिन जोश में कमी नहीं है, जोश पूरा है इनके पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 6 अप्रैल और जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक फूड एक्टिविटी की थी, मतलब 50 लोगों को इन्होंने खाना बांटा था, वैसे ही और उससे अच्छी फूड एक्टिविटी आज हम करने जा रहे हैं। उसमें हम बांटेंगे कम से कम 150 लोगों को खाना और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से हो रही हैं। हटी भाई थोड़ा सा मैं पैक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे खाने की पैकिंग चालू है, मतलब कम से कम 150 कितने 300 तो 300 पैकेट जो है यहाँ पे आज पैक किए गए हैं। सो ये पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, 300 बॉक्स हैं जो कि हमने आज पैक किए हैं और इसके बाद इसको हम ले जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 150 पैकेट नहीं है, 300 पैकेट, जैसा कि भी मैंने दिखाया था 300 पैकेट हमने पैक किए हैं। तो मतलब आज कम से कम 300 लोगों को हम खाना बांट पाएंगे। और ये मेरे हाथ में है मास्क और ग्लव्स, जो कि बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन है और आप बाहर निकल रहे हो एक अच्छे काम के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिकॉशन लें और उसके बाद अपनी एक्टिविटी को करें। सो अभी मास्क और ये ग्लव्स पहनते हैं, उसके बाद एक्टिविटी को करते हैं कंप्लीट। ले भाई। तो हम सब ने इसेंशियल प्रिकॉशन ले लिए हैं, जैसा आप देख सकते हैं ग्लव्स, मास्क, हेयर नेट सब ने ले लिए हैं। ये है शिवम और ये है प्रांजुल और संयम। भाई जल्दी पहन यार, हेयर नेट पहन और मास्क पहन। तो हमने पहन लिया है और हमारे मतलब जो 300, मैं बता दूं कि मैंने पहले बोला था कि 150 पैकेट हम आज डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो 150 नहीं है, वो हैं 300 पैकेट। सो 300 पैकेट हैं जो कि हाँ हम अब जा रहे हैं। ये देखो बाइक में बैठ चुके हैं, बाइक में बैठ चुके हैं और सैनिटाइज़र भी साथ है इनका, ये है सैनिटाइज़र। सो ये बाइक में बैठ चुके हैं और अब हम यू नो अपने बैगेज वगैरह को यहाँ पे बाइक को और स्कूटी में रख रहे हैं और फिर चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमको मौका मिलता है बांटने। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है कि हम खो ना जाएं कहीं। सो नो अभी चल रहे हैं, तो चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, जैसा कि अभी लॉकडाउन में 10 दिन बाकी हैं, आज 6 अप्रैल है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू नो ऐसे टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि भूखे सो जाते हैं, उनको दिन में एक टाइम का भी खाना नहीं मिल पाता। सो अगर आप उस कैपेबल हैं और आप किसी का एक टाइम का खाना भी अगर दे पाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये धर्म का काम करना चाहिए, जैसा जितना हमसे हो सका है और जितना हम कर पाए तो उतना हम कर रहे हैं, और आगे भी अगर हमको मौके मिलते रहेंगे तो हम आगे भी करते रहेंगे। सो ऐसे टाइम पे बोलना चाहूँगा कि अगर आप कैपेबल हैं तो प्लीज़ अपने आसपास जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो यू नो जिनके पास खाने को नहीं है, उनको खाना दीजिए। सो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप यू नो अगर किसी को मदद कर रहे हैं इस टाइम पे और हमारी तरह ही अगर आप खाना बांटने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो इंश्योर करें कि अगर आपके पास प्रिकॉशन सारा हो, मतलब मास्क हो और ग्लव्स और ये हेयर नेट ना भी हो तो मास्क और ग्लव्स तो नेसेसरी हैं, ये होना ही चाहिए आपके पास, तभी आप डिस्ट्रीब्यूट करें। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेफ्टी पहले हो, अगर आपकी सेफ्टी नहीं है तो फिर आप औरों को भी बीमार कर सकते हैं। स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, ये हमारे बैग में है फूड के पैकेट, इसमें 300 पैकेट्स हैं वेज बिरयानी के। सो हम अभी गौर मॉल के साथ में यहाँ पे जो स्लम्स एरिया है वहाँ पे पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद और यू नो गरीब लोग हैं, तो यहाँ पे हम यू नो फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये हमारे पास पैकेट्स हैं और हम इसको यू नो डिस्ट्रीब्यूट अभी करने जा रहे हैं।
वेरी गुड। हो जाए वंदे मातरम। बोलो 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 अपनी बोलेंगे भाई। बोलो 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 मातरम मातरम। तो देख लो यहाँ पे बच्चों में जोश उत्साह देखने को मिल रहा है कि चाहे उनके पास तीनों टाइम का खाना हो या ना हो लेकिन जोश में कमी नहीं है। जोश पूरा है इनके पास। तुमका भी देंगे, तुमका भी देंगे, जरूर देंगे तुमका। दोनों हाथ से गिर जाएगा, गिर जाएगा। अरे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा गिर जाएगा, सही से पकड़। सो अपना टास्क पूरा हो चुका है, हमने 300 पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। हो गए मतलब ख़त्म, फिनिश, ठीक है। सो मतलब ब्लॉग में कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं था, सिर्फ मेन मोटिव था कि यार आज दिनों जितना हमसे हो सकता है ज़रूरतमंद की हेल्प करनी है। सो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी एंड डू व्हाट यू लाइक टू डू। Yeah.